हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षकों के दस्तावेजों से संबंधित। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई सूचना निकल कर आ रही है जिसके विषय में, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित जानकारी को। उससे पहले जो इस चैनल पर नए विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित जानकारी को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 20,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की छानबीन अभी अधूरी ही रह गई है। छठे चरण में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जिनकी सर्टिफिकेट जो बिहार से ली गई थी, डिग्री उनकी जो बिहार की थी, उनकी जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अदर स्टेट से जो अभ्यर्थी आए थे या डिग्रियाँ ली हुई है, उनकी डिग्री अभी किन्हीं कारणों के वश पूरी नहीं की जा सकी है। आप देख सकते हैं ये सूचना, छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित 42,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों में से करीब 15,000 से 20,000 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सत्यापन प्रक्रिया अभी भी लंबित है, जबकि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग हर बार नई नई गाइडलाइन जारी करता है। जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित करीब 12 राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड से कराया जाना है। उन बोर्ड तक पहुंचने में ही विभाग के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल सत्यापन के लिए अलग से कोई विंग नहीं है, यही वजह है कि दस्तावेजों के सत्यापन की गति बेहद धीमी है। विभाग ने बीच में यह भी निर्णय लिया था कि वो विभिन्न राज्यों से सत्यापन के लिए दल भेजेगा, लेकिन यह रणनीति विभिन्न वजह से परवान नहीं चढ़ सकी है। विभाग का नियम था कि जब तक दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो पाती तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में जारी अंतिम आदेश की समय सीमा जून में खत्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो छठे चरण के नियोजित शिक्षकगण थे, उनकी दस्तावेज की सत्यापन अभी भी पूरी नहीं की जा सकी है शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि उनके लिए अलग से शुल्क राशि नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और कहा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, अंतिम निर्णय लिया गया था कि वेतन को तब तक लंबित किया जाता है जब तक दस्तावेज की पूरी जाँच नहीं होगी, तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह जो सूचना भी थी वो जून तक थी और जून भी खत्म हो चुकी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।